नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। राजनीति में नौटंकी और ड्रामा तो चलता रहता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि जब 17वीं लोकसभा का पहला दिन होगा और जो नए सांसद होंगे उनसे भी मसाला और ड्रामा निकलेगा। जी हाँ, अभी दूसरे दिन जब अवेसी असदुद्दीन अवैसी, जो कि AIMM के चीफ भी हैं और हैदराबाद से सांसद भी चुने गए हैं, वो जब शपथ ग्रहण करने के लिए आए, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। आप देखिए इस वीडियो में। श्री असदुद्दीन अवैसी जी, मैं असदुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर, जो कानून के बमूजब तय पाया है, एतिकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। तो अवैसी साहब ने को आपने इस वीडियो में देखा कि जैसे ही वो शपथ ग्रहण करने के लिए पोडियम में आ रहे थे, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद अवैसी साहब इससे भड़केंगे और कुछ ना कुछ अपने, जैसे कि वो जिस तरीके से अवैसी साहब अपने बयानबाजियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, तो इस किस्म की कोई ना कोई बयानबाजी करेंगे। लेकिन खैर, इसका हुआ उल्टा। अवैसी साहब ने बोला, इशारा करते हुए कि और बोलिए, जितना मर्जी चाहे उतना बोलिए। उसके बाद उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि कृपया इन लोगों को बोलिए कि शांत रहें, तब उसके बाद मैं शपथ ग्रहण कर पाऊँ। और इसी से ही पूरा का पूरा मामला ख़त्म नहीं हुआ। अवैसी साहब ने भी चुटकी लेते हुए जब शपथ ग्रहण अपना ख़त्म किया, तो अल्लाह हो अकबर का नारा पूरे जोश और खरोश के साथ दिया। यानी कि जो उन्होंने जय श्री राम बोला, तो सूत समेत वापस उन्होंने भी अल्लाह हो अकबर कह दिया। खैर, ये तो अवैसी जी की बात थी। अब आते हैं साध्वी प्रज्ञा के ऊपर। साध्वी प्रज्ञा भी आप जानते हैं कि कम ड्रामेबाज तो है नहीं। उनका अभी लेटेस्ट ड्रामा ये है कि पहले तो उन्होंने शपथ ग्रहण जो किया वो संस्कृत में किया, उसके बाद अपने गुरु का नाम ले लिया पूरे शपथ ग्रहण समारोह में। समझ नहीं आया कि इससे उन्हें मिला क्या। मिला ये कि उसके बाद उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ी और अपना खुद ही माहौल बनाने में तो वो चर्चित हैं ही। शायद ये उनकी कोई राजनीति करने की स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी खैर वो खुद ही जानती हैं, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी के चलते ही वो संसद भवन तक भी पहुंच गई हैं। यही नहीं ख़त्म होता है, इस बार का शपथ ग्रहण वैसे ही बहुत ही दिलचस्प था कि राहुल गांधी फर्स्ट हाफ में गायब थे तो लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद सेकेंड हाफ में ट्विटर के हवाले से लोगों को वो बता रहे हैं कि वो आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संस्कृत में अपना शपथ ग्रहण किया। उसके बाद केरला के एक सांसद ने हिंदी में शपथ ग्रहण दे के सबको चौंका दिया। तो 17वीं लोकसभा का पहला दिन ऐसा है, दूसरा दिन ऐसा है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा सेशन कैसा होगा। हम आशा करते हैं कि नौटंकी कम दिखे और मुद्दों पे बातचीत ज़्यादा हो, लेकिन ये हमारे नेता हैं, बास तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहेंगे और हम आपको अपने चैनल में दिखाते रहेंगे। और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं खुलासा न्यूज़ की, उसमें भी इसी किस्म की चटपटी खबरें आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़।